हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे घर मेहमान आने वाले थे। मुझे मीठे में कुछ अच्छा बनाना था और तुरंत फुरंत बन जाए ऐसी कुछ रेसिपी तैयार करनी थी, तो मैंने बनाए आज पेठा नारियल लड्डू। पेठा नारियल लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ पेठे लिए हैं जो मार्केट में आपको आसानी से कहीं भी अवेलेबल हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर किसने ली है कद्दूकस करने के लिए, यहाँ पर मैं पेठे को अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी। मैंने पूरे पेठे कद्दूकस कर लिए हैं। कद्दूकस करने के बाद इसमें हमें मिलाना है नारियल का बूरा। यहाँ पर मैंने नारियल का बूरा लिया है करीबन 150 ग्राम, 200 ग्राम लगभग मेरे पेठे थे। यहाँ पर हमें नारियल के बूरे को एक एक चम्मच करके डालना है। हम 6 से 7 चम्मच नारियल का बूरा यहाँ पर ऐड कर देंगे। 6 से 7 चम्मच हमने नारियल का बूरा ऐड कर दिया है। अब हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि बूरा और पेठा अच्छे से मिक्स हो जाए। हमें यहाँ चाशनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो पेठा है वो ऑलरेडी बहुत मीठा है, उसमें चाशनी है। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। मेरे बेटे की इच्छा थी कि मम्मी कलरफुल लड्डू खाना है। मैंने यहाँ पर एक प्लेट के पेठे में मैंने येलो कलर फूड कलर डाला है जो आसानी से आपको कहीं भी ग्रॉसरी शॉप पर मिल जाएगा। दूसरी प्लेट में मैंने ग्रीन फूड कलर ऐड किया है और एक प्लेट को हमें वाइट ही रखना है। येलो फूड कलर को हमें अच्छे से मिक्स करना है। हाथों की सहायता से बांधते हुए इसके हम लड्डू तैयार करेंगे। छोटे छोटे, बड़े बड़े, जिस आकार के आप खाना पसंद करें उस आकार के लड्डू यहाँ पर आप रेडी कर सकते हैं। जो खोपरे का बूरा हमने थोड़ा सा बचा लिया था उसे हम आखिरी में लड्डू के ऊपर कोट कर देंगे। इससे लड्डू टेस्टी लगते हैं और दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। एक प्लेट में हम लड्डू को रखते जाएंगे। इसी तरह से हम येलो फूड वाले लड्डू तैयार कर लेंगे। ग्रीन फूड कलर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मसलते हुए मिक्स करना है ताकि फूड कलर अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से मसल लिया है हमने, फूड कलर अच्छे से मिक्स हो गया है। हाथों से बांधते हुए लड्डू तैयार करेंगे। हमने सारे, ऑलमोस्ट सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं। इसे भी हम नारियल बूरे में लपेट कर अच्छे से रेडी कर लेंगे। वाइट कलर के लड्डू भी हम इसी तरह से बना लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमारे यहाँ सभी लड्डू बनकर तैयार हैं। मेहमान तो खुश हो ही गए, साथ में बच्चों को भी कलरफुल लड्डू खाने में बहुत ही मज़ा आया। तो आप भी बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा।